उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, दंगा कराने की साजिश और बुलंदशहर घटना में शहीद सुबोध सिंह की हत्या के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबंधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उनकी मांग थी कि शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, जो अपराधी खुलेआम वीडियो बनाकर पुलिस को चढ़ा रहे हैं और पुलिस असहाय बनी हुई है। हाईकोर्ट की निगरानी में SIT गठित कर उच्च स्तरीय की जांच कराई जाए, स्वर्गीय इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को शहीद का दर्जा दिलाया जाए एवं उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाए, शहीद के परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ठीक ढंग से चला पाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्णतः असफल हैं, इसलिए वह तत्काल इस्तीफा दें। वहीं बुलंदशहर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष योगेश ने पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकता में कहा था कि 3 दिसंबर की सुबह वह महू गांव में दोस्तों के साथ खेतों की ओर गया था, तभी 7 लोगों को गाय काटते हुए उसने देखा और FIR के मुताबिक योगेश और उसके दोस्तों ने हल्ला मचाया तो गाय काटने वाले लोग वहां से भाग गए। इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने 10 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया और उपरोक्त मांगों को लेकर शासन व प्रशासन से प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। ये उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बुलंदशहर में जो कांड हुआ है उसके लिए हम ये सुबोध सिंह जो वहाँ शहीद हुए उनके परिवार को न्याय मिले इस मांग को लेकर हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कांड हुआ, ये जो घटना हुई, निश्चित रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित एक घटना थी। उस समय बुलंदशहर में लाखों लोग मुस्लिमों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ऐसे समय पर इन्होंने एक प्रायोजित घटना को अंजाम दिया। एक निश्चित रूप से उन्होंने FIR में ये लिखा है, ये मैं सुबह घूमने जा रहा था तो मुझे जंगल में 4-5 लोग गाय काटते हुए मिले, वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो वहाँ पहुँचे और जब उसमें फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ये आया कि जो मांस के टुकड़े थे वो 24 घंटे पहले कटे हुए थे। ये पूरा प्रायोजित एक घटनाक्रम था, पूरी प्रायोजित एक साजिश थी, उसके तहत ये इसको अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से आप ये तय मान लीजिए कि अगर सुबोध सिंह की हत्या वहाँ नहीं हुई होती तो आप तय मान लीजिए बुलंदशहर में बहुत बड़ा कांड होता, एक जघन्य कांड होता और एक निश्चित रूप से वहाँ खून की नदियाँ बह जाती और इसका श्रेय मात्र ये 2019 के इलेक्शन में लेना चाहते थे। ये घटना इनकी बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना मैं कहता हूँ सरकार तो इसमें इन्वॉल्व है डेफिनेटली। तो हम हाईकोर्ट से के नेतृत्व में एक SIT का गठन करेंगे, इसके न्याय की मांग करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये सभी लोग ये नियो देख रहे होंगे, मैं उनसे ये अपील करता हूँ जनता से कि इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। जहाँ हिंदू लोग हैं, अगर हिंदू वहाँ दोषी है तो वहाँ के प्रबुद्ध और समझदार लोग मिलके उस घटना को कंडेम करें, उनको समझाएं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम की घटना है, इस तरह की घटना भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। और जहाँ मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म के लोग इस तरह के कुछ लोग वो करते हैं तो उन लोगों को आगे आएँ और वो इस तरह की घटना की निंदा करें और समझाएं कि भाई इनसे कभी देश का भला होने वाला नहीं है। चंद पार्टियां ही इससे फ़ायदा उठा के वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं, इससे देश गड्ढे में जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और योगी सरकार में तो मैं कहता हूँ मॉब लिंचिंग की इतनी घटनाएं हो रही हैं, सुनो जिस तरीके से पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पुलिस के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी इसमें एक 6 सूत्री हमने मांगे रखी हैं, सबसे पहले इसकी SIT का गठन कर इसकी जाँच की जाए और सही सुबोध सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये की राशि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में देती है किसी शहीदों को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाए, उनके पढ़ने आदि की बच्चों की व्यवस्था की जाए और एक परिवार को उनमें से सर्विस दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग।